आज मैं एक छोटी सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं कि मैं आंवला लेकर के आई हूँ मार्केट से और मैं बनाऊंगी इसका मुरब्बा। तो पहले तो आंवले को मैं मार्केट से लाई हूँ, उसके बाद अच्छे से धो करके बिल्कुल से क्लीन कर लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट वस्ट लगे होते हैं इस वजह से। और यहाँ देखिए आंवला जो है सूख चुका है। तो चलिए फिर फ्रेंड्स आगे का प्रोसेस करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि देखिए कि आंवला बिल्कुल से ड्राई हो चुका है, कहीं से मॉइस्चर जिसका नहीं है। तो पहले तो मैं इसको इस तरीके से एक फोक की मदद से बिल्कुल बारीक बारीक जगहों पे जा करके मुझे इस तरीके से कर लेना है। थोड़ा मेहनत इसमें लगेगा क्योंकि अगर इसका स्टूल से मैं करती तो नहीं होता दिक्कत, बट मैं फोक का मदद से कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, जब तक मैं सारे आंवलों को छेद करूँगी तब तक यहाँ एक पतीले में मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो फ्रेंड्स, ये सारे आंवले जो है मैंने देखे कि फोक की मदद से सारे को प्रिक कर लिया है और ऑलमोस्ट सारा आंवला जो ऐसे रेडी हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम पानी की ओर, जो मैं पानी बॉइल्ड होने के लिए रखी थी। तो जी फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं पानी में अच्छा खासा उबाल आ चुका है। तो बारीक बारीक से मैं यहाँ आंवलों को डाल दूंगी पानी में। कवर करके छोड़ दूंगी करीबन 5 मिनट के लिए। दोस्तों, यहाँ देखिए कि मैंने चीनी ले लिया है और चीनी का क्वांटिटी हमारा 700 ग्राम के करीब है और आंवला मेरा जो था वो 1 केजी के आसपास था। तो चीनी और आंवले का क्वांटिटी सेम टू सेम रखना होता है और जो भी रोल है इसका तो चीनी का ही है क्योंकि चाशनी अच्छी बनेगी तो आंवले का मिठास, आंवले का टेस्टीपन बिल्कुल से उभर के आएगा और मुरब्बा हमारा बिल्कुल डिलीशियस बन के रेडी हो जाएगा। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, ढक्कन को हटाते हैं और देखते हैं कि आंवले का क्या कंडीशन है। वाह, बिल्कुल से हो गया है, इसको खुलाना नहीं है। थोड़ा सा पानी में वार्म वाटर में डिप करके 5 मिनट के लिए छोड़ दी थी। देखिए फ्रेंड्स, सारे आंवले जो है मैं पानी से निकाल ली हूँ और थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ दूंगी क्योंकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी होंगे वो नीचे से ड्रेन हो जाएगा क्योंकि ये जालीदार छल्ली में मैंने रखा हुआ है ये सोच के कि इसका एक्स्ट्रा पानी थोड़ा निकल जाए, उसके बाद हम चाशनी का काम करेंगे। पानी है ना, मैं इसको वेस्ट नहीं करूँगी, कल जब मैं नहाऊँगी तो उसको बालों में यूज़ करूँगी। ऐसा मैं मानती हूँ कि ये आंवला का पानी है तो बिल्कुल फालतू पानी नहीं है, बहुत लाभदायक है, बहुत बेनिफिशियल है। तो मैं कल नहाने टाइम इसको अपने हेयर वॉश करूंगी। आइए फ्रेंड्स, फिर चाशनी का काम किया जाए और मुरब्बा बनाने का प्रक्रिया भी आगे बढ़ाया जाए। ये मैंने इलायची डाल दिया है एसेंस के लिए और इलायची का फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आता है मुरब्बे में। फ्रेंड्स, थोड़ा सा पानी में डालूंगी, बिल्कुल जरा सा, 1-2 चम्मच के बराबर। और फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं कि सारे मुरब्बे को मैंने डाल दिया है चीनी के जस्ट ऊपर में और धीमी धीमी से मैं चलाती जाऊंगी। तो जी फ्रेंड्स, स्लो स्लो मोशन में पहले तो मैंने इनको चलाया है, उसके बाद यहाँ पे देखिए कि मैं कवर कर दूंगी थोड़ी देर के लिए। और फ्रेंड्स, ये विटामिन सी से भरपूर है जैसा कि सभी लोग जानते हैं, तो कितना बेनिफिशियल है इसकी तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, सभी लोग को पता ही है कि आंवला हमारे बॉडी में किस किस चीज़ों पर काम करती है। मैं तो मानती हूँ कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ों पर जो है काम करती है और ये विटामिन सी से भरपूर है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आंवले का कलर जो है थोड़ा थोड़ा सा चेंज होते जा रहे हैं। हालांकि अभी थोड़ा वक्त और लगेगा, थोड़ा सा 10-15 मिनट और मुझे वेट करना होगा, तभी ये अच्छे से पकेंगे। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं कि आंवले का जो कलर है बिल्कुल से चेंज हो चुका है, जैसा होना चाहिए बिल्कुल उसी रूप में आ चुका है, ये देखिए। और इसका पहचान का यही तरीका है फ्रेंड्स। यहाँ देखिए, जैसे बनाते हैं गुलाब जामुन, कुछ उसी तरीके का ये दिखने में हो गया है। तो यहाँ समझ लेना है कि ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुका है। तो जी फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि मैंने आंवले का मुरब्बा रेडी कर लिया है और टाइम जो है काफ़ी अबव हो चुका है, करीबन 10-10:30 समय हो चुका है नाइट के। और ये देखिए, घनघोर काली रात हो चुकी है और मैं अभी तक किचन में हूँ। और आई होप कि आप लोगों को मेरी रेसिपी आंवले की पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे जो लोग नए आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ फ्रेंड्स, मैं अभी इसको कंटेनर में मैंने नहीं रखा है, मैं मॉर्निंग को उठूँगी तब इसको मैं जार वार में कंटेन कर लूँगी। फिलहाल मैं जा रही हूँ सोने, और सभी फ्रेंड को गुड नाइट, बाय बाय। दोस्तों, आंवले के मुरब्बे को चटपटा बनाने के लिए मैंने इसमें चाट मसाला, काला नमक, काली मिर्च पाउडर के साथ इंजॉय मैं कर लेती हूँ। तो ज़रूर से फ्रेंड्स, आप लोग भी एक बार ट्राई कर लीजिएगा, इससे बहुत ही यम्मी लगते हैं और मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। थैंक यू।